दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी, पोहा, जिसे प्रेस्ड राइस भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ पोहा। दिस पोहा थिन मीडियम प्रेस्ड राइस मैंने ये वॉलमार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो ये दीप कंपनी का है समथिंग, तो आई डोंट नो। तो आप ये वाला पोहा ले लें। पोहा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ऐसे ये पोहा ले लें। ये मैंने 1 कप लिया है दोस्तों। मैंने ये जो मेजरिंग कप है इससे इसको लिया। मैंने ये 2 डाले हैं, यानी 1 कप ले लिया। अब आपको इसको धोना है। तो धोना कैसे है, आप इसको एक छाननी में ले लें और टैप वाटर से इसको धो लें। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों। सिर्फ आपको इसको सौगी करना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। वेरी नाइस रेसिपी। ये देखिए दोस्तों, और इसका जो पानी है वो निथार लेना आपने, मतलब ना इसको ऐसी छाननी में रख के। इसको आपने ऐसे रख लेना। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी हैं। 1 कप पोहे के लिए आपने आधा प्याज, आपने 10 से 20 करी पत्ते जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, प्याज लिया है, और नमक, हल्दी, और मैंने ये हींग और सरसों के बीज लिए हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स हैं लो दोस्तों। मैंने क्या किया है, कढ़ाई में 2 2 चम्मच मैंने तेल डाला है और इसको मैंने गरम कर लिया है। उसके बाद इसमें चुटकी भर आपने दोस्तों हींग डाल देनी है। आप देख रहे हो कि हींग जो है चटकने लगी है। हींग के चटकने के बाद जब तेल आपका थोड़ा ठीक हो जाए तो इसमें आपने 1 चम्मच के करीब सरसों डाल देनी है दोस्तों। मेरा तेल अभी थोड़ा ठंडा है, अभी सरसों को थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों। ये स्टूडेंट्स जो आप खाना बनाते हैं, स्पेशली लड़के जिनको कुछ बनाना नहीं आता, अब्रॉड हैं, गए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो ये रेसिपी बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। वेरी इजी दोस्तों, बहुत ही इजी रेसिपी है। अभी हमारा सरसों जो है तेल में पक रहा है। मैं थोड़ी सी ये जो लेमन जूस है ये भी हमें थोड़ा सा चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों हमारी जो सरसों है वो चटक रही है, इसको थोड़ा चटकने दें। जैसे ही ये चटकने लग जाए आप अपने करी पत्ते करी पत्तों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। ये आमतौर पे ये जो रेसिपी है दोस्तों ये भारत के मध्य प्रदेश और साउथ में बहुत खाई जाती है। अभी तो नॉर्थ के लोग भी इसको खाने लगे हैं। जैसे ही आपका ये हो जाए इसमें आप डाल दें प्याज। प्याज को आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको ट्रांसलूसेंट कर लेना।
कोई ढकने वकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका प्याज होने लग जाए तो स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डालें दोस्तों। मैंने तकरीबन डेढ़ चम्मच नमक डाला है, एक चम्मच और डेढ़ चम्मच जितना आप खाते हैं। पिंच आप इसमें डालें तकरीबन इतनी, देखें ये इतनी मैंने हल्दी ली है और ये मैंने स्वाद अनुसार लाल मिर्च ली है दोस्तों। इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए प्याज, तो आपने तकरीबन एक से दो चम्मच नींबू का रस डाल लेना। मेरे पास ये, आप ये डालें, अगर आपके पास फ्रेश लाइम है तो आप वो डालें दोस्तों। फ्रेश लाइम भी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसमें। आप लाइम डाल लें, लेमन डाल लें, दो नहीं है। इसमें थोड़ी सी दोस्तों शुगर भी डालती है, मैंने एक चम्मच चीनी डाली है, ज़्यादा नहीं डालनी। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, आपके पास कोई नट्स हैं वॉलनट और पी नट्स वगैरह वो भी डाल सकते हो। इधर मेरा पोहा आप देख रहे हैं ये ऐसे फूल गया है, बस इसको इसमें डालना। ये देखिए हमारा पोहा रेडी है, बस इसको मिलाना है थोड़ा सा। आंच को आप मीडियम ही रखेंगे दोस्तों, कोई ढकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपने। तेल आप उतना डालें जितना आप, जैसे मैंने कि एक कप पोहे के लिए सिर्फ 2 स्पून्स डाला था, छोटे चम्मच, वो चाय वाले चम्मच होते हैं। इट्स ए वेरी हेल्दी डाइट, ट्राई करें। और अगर आप इसी तरह की क्विक रेसिपीज चाहते हैं, हेल्दी और यू नो इट्स वेरी नाइस, तो दोस्तों ये हो गया, फ्लेम बंद कर दी। ये देखिए मेरा पोहा जो है बन के तैयार है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी ये वीडियो देखी। तो ये पोहा इन 2 मिनट्स, और आप भी बनाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आई थैंक यू वेरी मच इन एडवांस फॉर व्यूइंग माय चैनल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट देन अनलाइक इट, प्लीज़ डू समथिंग एंड राइट योर कमेंट्स, बिकॉज दे आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय।